अख्तर रिजवी साहब हमारे पुराने साथियों में से हैं और हमारे पार्टी के नेता हैं। पिछले कई दिनों में पहले एक बट्टा उन्होंने खोया था और कल जिस तरह से आतंकवादी हमले में आबिस की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। इस दुख की घड़ी में हम सभी, हमारी पार्टी सभी रिजवी साहब के साथ खड़े हैं और जिस कायरतापूर्वक ढंग से आतंकवादी हमला किया गया उसमें जितने लोग भी शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है और कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हैं। सर, जहाँ तक बात करें तो उनको तुरंत वीज़ा का अरेंजमेंट करा के दिया गया है भारत सरकार। रिजवी साहब को वीज़ा दिया गया, रिजवी साहब स्वयं टर्की के लिए रवाना हुए हैं, वहाँ से फिर वो जानकारी देंगे कि आखिरी उनकी रसूमात किस तरह से होगी। सरकार की तरफ से सुषमा जी ने भी व्यक्तिगत बात की, पवार साहब से भी बात की और उन्हें जाने के लिए सारी चीज़ें अरेंज की गई है। सरकार एक अच्छे ढंग से चीज़ों को हैंडल कर रही है।
अख्तर रिजवी साहब हमारे पुराने साथियों में से हैं और हमारे पार्टी के नेता हैं। पिछले कई दिनों में पहले एक बेटा उन्होंने खोया था और कल जिस तरह से आतंकवादी हमले में आबिस की मौत हुई है, बहुत दुखद बात है। इस दुख की घड़ी में हम सभी, हमारी पार्टी सभी रिजवी साहब के साथ खड़े हैं और जिस कायरतापूर्वक ढंग से आतंकवादी हमला किया गया उसमें जितने लोग भी शहीद हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और साथ में जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उनके साथ हमारी संवेदना है और कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हैं। सर, जहाँ तक बात करें तो उनको तुरंत वीज़ा का अरेंजमेंट करा के दिया गया है भारत सरकार। रिजवी साहब को वीज़ा दिया गया, रिजवी साहब स्वयं टर्की के लिए रवाना हुए हैं, वहाँ से फिर वो जानकारी देंगे कि आखिरी उनकी रसूमात किस तरह से होगी। सरकार की तरफ से सुषमा जी ने भी व्यक्तिगत बात की, पवार साहब से भी बात की और उन्हें जाने के लिए सारी चीज़ें अरेंज की गई है। सरकार एक अच्छी ढंग से चीज़ों को हैंडल कर रही है। I don't know.